ओम शांति। 27/4/2022 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर अपने कर्मों को सुधारो, विकर्मों को भस्म करो। माला का दाना बनना है तो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। प्रश्न, किन बच्चों की रक्षा बाप स्वतः करता है? उत्तर, जो जितना सफाई से चलते हैं, बाप से सदा सच्चे रहते हैं, उनकी रक्षा स्वतः होती रहती है। झूठा चलने वालों की रक्षा हो नहीं सकती, माया उन्हें बहुत खींचती रहती है, उनके लिए फिर सजा कायम हो जाती है। प्रश्न, बच्चे रूहानी सर्जन से अपनी बीमारी छिपाते क्यों हैं? उत्तर, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत का डर रहता है। जानते भी हैं माया ने हमें धोखा दिया है, आंखें क्रिमिनल हो गई हैं, फिर भी बाप से छिपा लेते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे जितना तुम छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे, माया खा लेगी, फिर पढ़ाई छूट जाएगी, इसलिए बहुत खबरदार रहना। मन मत व आसुरी मत पर नहीं चलना। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप समान नम्रता का गुण धारण करना है, किसी को भी कांटा नहीं चुभाना है, फूल बन खुशबू देनी है। दूसरा, सच्चाई का गुण धारण कर सर्जन से कोई भी बात छिपानी नहीं है, पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है, आज्ञाकारी बनना है। वरदान, बाप द्वारा मिले हुए वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। बाप दादा द्वारा जो भी वरदान मिलते हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ तो वरदान कायम रहेंगे। वरदान के बीज को फलदायक बनाने के लिए उसे बार बार स्मृति का पानी दो, वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, तो एक वरदान अनेक वरदानों को साथ में लाएगा और फल स्वरूप वरदानी मूर्त बन जाएंगे। जितना वरदानों को समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा। स्लोगन, अटेंशन नेचुरल हो तो टेंशन स्वतः खत्म हो जाएगा। ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। आप दृष्टि।